जय सियाराम, जय सियाराम। राम भक्तों की वर्षों की प्रतीक्षा अब खत्म होने वाली है, क्योंकि 22 जनवरी 2024 यही वो तारीख है जिस दिन श्री राम लला अपने मंदिर में पधारेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 25 अक्टूबर को मुलाकात कर उन्हें राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल होने का न्योता दिया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस संबंध में जानकारी देते हुए लिखा कि जय सियाराम, आज का दिन बहुत भावनाओं से भरा हुआ है। अभी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी मुझसे मेरे निवास स्थान पर मिलने आए थे। उन्होंने मुझे श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या आने के लिए निमंत्रित किया है। पीएम ने लिखा कि वो खुद को बहुत धन्य महसूस कर रहे हैं। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने अपने बयान में कहा कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 22 जनवरी 2024 को अयोध्या पधार कर नए बन रहे मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा अपने कर कमलों से करने का निवेदन किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमारा निवेदन स्वीकार किया है, ये प्रसन्नता की बात है। वे प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव के अवसर पर उपस्थित होंगे। बता दें कि श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल किया जा रहा है। मंदिर की हर एक चीज बेहद खास और भव्यता से सुशोभित है। रामलला के मंदिर में लगने वाली विजय पताका करीब 15 कुंतल वजन के स्तंभ पर लगाई जाएगी। राम मंदिर में विराजमान प्रभु श्री राम की प्रतिमा के दर्शन भक्त 35 फीट दूर से कर सकेंगे। राम नवमी के दिन सूर्य की किरणें गर्भगृह में रामलला के ललाट को छुएंगी। इसके लिए खगोल शास्त्र और भौतिकी विज्ञान के विशेषज्ञों की मदद ली गई है।